तो फाइनली टाइम आ गया कि मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊं, जो मैं बुक्स आपके पास लेके आया था। काफी टाइम हो गया था कि मैं बुक्स तो मैं ले आया था, लेकिन आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं सुल्तानपुर गया था अपनी वाइफ को लेने। तो अभी जस्ट नीलांचल से आया हूँ। आप लोग अगर देखा तो लास्ट शॉट मैं अपनी बेटी रशु और गुनू, हम लोग अभी जस्ट आए हैं। और आने के बाद बस थोड़ा सा अपना वॉश एंड सारी चीज़ें इधर उधर होने के बाद अभी खाना भी नहीं खाया कि मुझे पता है काफ़ी टाइम होगा, काफ़ी लेट हो रहा है। आप लोगों की जो वीडियोस का मैं आप लोगों को अब जो बुक्स का मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था उससे रिलेटेड आप लोगों से बात नहीं हो पाई है। तो आज थोड़ा बुक्स के बारे में आपसे बात करते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट बुक थी वो हम लेके आए हैं, और काफ़ी सारी बुक्स हैं और एक्स्ट्रा बुक्स भी मैं लेके आया था। कुछ लोग बोले थे कि सर आप ELP से रिलेटेड भी आप कुछ बताइए, तो मैं उसका भी बंडल ले आया हूँ। तो वो मेरे पास ये रहा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, अभी ऐसे कैसे पैक्ड है ये सब आप लोगों के लिए है। बस मेरा ये मोटिव है कि आप लोग बस पढ़ें, ठीक है, और एग्जाम को क्रैक करें, अपने अपने परिवार या सबका नाम रोशन करें। बस यही मेरा मोटिव है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को एक बात और बता दें, देखिए हमारी जो भारतीय रेलवे है, ठीक है, हम TMs को बोनस देती है, तो उस बोनस का जो अमाउंट था, उसका जो पैसा था, उससे मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। और हम तो हमेशा परिवार के साथ अपना शेयर करते हैं बोनस के अमाउंट से, कुछ चीज़ें लेके आते हैं घर के लिए, अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। पर मैंने इस बार सोचा क्यों ना जो हमारी सरकारी मजदूर फैमिली है उनके लिए भी कुछ करें, तो उनके लिए हम ये सब लेके आए हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमको देना है। तो काफ़ी सारी बुक्स मेरे पास हैं। जो मैं लास्ट वीडियो आया था उस टाइम में ये वाला बंडल लेके आया था, उसके बाद मैं जाके जो ELP से रिलेटेड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज उससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड भी मैं लेके आया हूँ। सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है। और दिस इज लुक अपन। तो अब हम बात करते हैं कि ये बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। देखिए जब हम लोग मार्केट गए थे तो वहाँ काफ़ी लोगों से हमने बात किया था, और हमारे आगे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी हमने बात की, तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। ट्रेंड पब्लिकेशंस को काफ़ी लोगों ने बोला था, शॉप वाले ने भी ट्रेंड पब्लिकेशन को ही बोला था, और भी बुक्स बोली थी, लेकिन ट्रेंड पब्लिकेशन का जो वेटेज था वो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा है रेलवेज के लिए। तो मैं ट्रेंड पब्लिकेशन का ही सारी बुक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और होप ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। और जो लोग सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बुक्स उनके पास तक पहुँचे और वो क्वालिफाई करें। तो देखिए अरे बाप ये हैं, उसके बाद ये हैं। तो बुक्स तो काफ़ी हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो बुक्स हम लेने वाले हैं वो है हमारी रेलवे ऑल एग्जाम्स। दिस इज मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर, आई थिंक 1996 से अब तक, मतलब 1996 से अब तक जो टिल लास्ट तब तक के हैं, 2023 का ये एडिशन है। और रेलवेज ऑल एग्जाम नॉन टेक्निकल टेक्निकल ग्रुप डी RPF RPSF मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइम वाइज, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। प्राइस वाइज की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आज जस्ट अ गिव अवे है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे, जिनके पास तक नहीं आ पाए, तो आप उसे परचेस कर लीजिएगा, काफी सही है। तो दिस इज ऑल, मतलब ये हिंदी के मैं लेके आया हूं, लेकिन अगर कुछ लोगों को इंग्लिश से भी है तो मैं एक बार और परचेस कर लूंगा, तो इंग्लिश वर्जन भी आप लोगों के पास तक भिजवा दूंगा, ठीक है। जैसे कि इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो है हमारा नंबर सिस्टम, अपने काफी टाइम से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं, ठीक है, होपफुली इसके बारे में सबको पता ही होगा। दूसरा है हमारा LCM SCF ऑब्वियसली, ठीक है, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसको हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मेरा बेस्ट रहा है हमेशा से, क्योंकि जब वो प्लस माइनस वाला जो होता था ना, और जो बोर्ड मास वाला जो सीन चलता था, बड़ा मजा आता था उसमें। मैं पहले बहुत रॉन्ग करता था, लेकिन बाद में काफी अच्छा हो गया था क्योंकि मैंने CBSE NCERT से अच्छे से उसको किया था। दिस पावर इंडिकेटर एंड सॉर्ट्स, ओके, उसके बाद एवरेज, नाइस वन, ठीक है। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एलिगेशन और मिक्सचर, परसेंटेज सुपर्ब, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सुपर्ब। उसके बाद आता है डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ओके,
और मिसलेनियस है, उसके बाद आपका है स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं, तो ये और लास्ट में इसमें मिसलेनियस भी है, तो काफी अच्छी बुक्स है। और जो जो मैंने आपको चैप्टर बताया इस चैप्टर वाइज ये पूरा एक तरीके से थ्योरेटिकल भी है, अगर आप देखें तो इसमें प्रॉपर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ देख पा रहे हैं, तो इस सारा एक तरीके से सॉल्यूशन के साथ है, तो ये आपको काफी अच्छा मतलब आपके लिए होने वाली, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, अगर आप अपना बेसिक अपना अच्छे से कर रखें और उसके बाद आप इस चीज को अगर आप पढ़ते हैं जिस तरीके से उसने दे रखा है, उसके बाद आप यू मैथ्स करेंगे यू, क्योंकि ये आपको काफी होगा। तो इसमें आपका बेसिक प्लस इसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका जो उसमें दे रखा है, जब ये दोनों मर्ज होंगे ना, तो आप ट्रिक्स यानी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं ना, क्योंकि हम लोग को टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं, तो वो ट्रिक्स आप तभी कर सकते हैं जब आप इसका अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे, इसके बेसिक को आप समझ पाएंगे, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है आप उसे समझ पाएंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन आप उसे समझ पाएंगे, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तब आप यू करेंगे। तो दिस इज बेस्ट बुक फॉर रेलवे मैथमेटिक्स, और ये हमारा किरण पब्लिकेशन की हमारा ये बुक है, तो आप इसे देख सकते हैं, बाकी ये तो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन जिसके पास तक नहीं जा रहा और वो अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इस बुक्स को ब्लाइंड ले सकता है, दिस इज द बेस्ट बुक। अब इस तरीके से मैं करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, दिस इज रीजनिंग, ओके, रीजनिंग भी सेम, इसमें ऑल एग्जाम्स है, ठीक है, और ये भी 1996 से अबव है, 2023 का एडिशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है इसके अंदर, क्योंकि जो किरण पब्लिकेशन का जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो एक्सप्लेनेशन का है, तो मुझे लगता है ना जो लोग अपना बेसिक जो स्ट्रॉन्ग किए होने या फिर जो बेसिक कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट बुक है, क्योंकि बेसिक और जब ये दोनों लिंक होगा ना तो आप आराम से अपने क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए ठीक है और आपके ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज रीजनिंग, अगर मैं इसके चैप्टर्स में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अब इस तरीके से ब्लड रिलेशनशिप हो गया, आपका एनोलॉजी सिंपल ये आपका एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, और ये आपका शेड्यूल टाइम डेट डे ईयर हिंदी में है, ये समय तिथि दिन एवं वर्ष, ओके, श्रृंखला सीरीज, ठीक है, वर्ल्ड फॉर्मेशन हो गया, ओके, न्याय कथन और निष्कर्ष, ओके, और आपका ये हो गया रैंकिंग अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर हो गया, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ल्ड इन लॉजिकल ऑर्डर हो गया, क्यूब्स एंड डाइस तो क्वेश्चन हमेशा आता है भाई, वो तो आपको करना है, ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉग एंड सिमिलैरिटी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो आई थिंक अगर आप रीजनिंग के लिए अगर आप बेस्ट बुक देख रहे हैं और खास उसे रेलवे के लिए, तो आप इस बुक पे जा सकते हैं, दिस इज करंट पब्लिकेशन रीजनिंग, जो कि आपके पास 1996 से अब तक का इसमें सारा डेटा है, तो ब्लाइंड आप इसको ले सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए है, आप देखते हैं किसे मिलता है, तो इसका अभी हम देखेंगे। सामान्य ज्ञान, काफी लोग इस बुक के लिए मुझसे बोल रहे थे कि हमें सामान्य ज्ञान, तो भाई करंट पब्लिकेशन ब्लाइंड आप इसको ले सकते हैं, दिस इज द बेस्ट फॉर रेलवे, ओके। ये सारी बुक्स मैं भाई मार्केट से लोगों से बात बात कर करूँ कि मैं लेके आया हूँ, बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, उसमें मेरे को यही सारी बुक्स मेरे को सामने आई, और भी बुक्स थी लेकिन उनका वेटेज कम था, एक या दो प्रेफर होते, इसकी 5 से 6 बुक्स हर कोई बोल रहा था। मेरे जो 2019 के आकाश शर्मा मेरे ट्रेन मैनेजर हैं, और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, अंशु यादव है और ऋषभ है और हमारा मुकेश राणा है, कृष्ण भाई है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो 2019 से क्रैक करके आए, तो उन्होंने भी मुझे इसी बुक्स के बारे में बताया, उनका मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हम लोग का उधर रहता है, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बुक्स बताई, और जब मैंने ये बुक्स उनसे पूछा, मार्केट से पूछा, आप लोगों के कमेंट से पूछा, देन मैंने ये फाइनल किया। तो दिस इज सामान्य ज्ञान, अब इसके बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ लें, हिंदी का है तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, जैसे इसमें विश्व का इतिहास, अगर भारतीय इतिहास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसमें भारतीय इतिहास है, विश्व का इतिहास है, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान है, ठीक है, भूगोल है, भारत के कुछ राज्यों का विवरण है, सामान्य अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और कार्बनिक रसायन विज्ञान है, कार्बनिक रसायन विज्ञान है, वनस्पति है, प्राथमिक स्वास्थ्य, जंतु विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, पुस्तक एवं लेखक, पारंपरिक सामान्य ज्ञान, महत्वपूर्ण तिथि एंड उसके बाद मिसलेनियस, खेलकूद एंड मिसलेनियस। तो दिस इज
सामान्य ज्ञान, ठीक है, और ये वन लाइनर अप्रोच है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, दिस इज द बेस्ट बुक आजादी से अब तक के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, सुपर सुपर बुक, किरण पब्लिकेशन, सामान्य ज्ञान, बहुत अच्छा काम करो किरण मेरे भाई, किरण पब्लिकेशन, गुड वन, बस आप ऐसे अपना काम करते रहिए और हमारे बच्चे ऐसे ही क्रैक करते रहे। नाउ दिस इज फोर्थ वन, आर रेलवे ऑल एग्जाम, सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान सॉल्व पेपर, ये भी 1996 अब तक के हैं और काफी है। मैं अब आपको ना डायरेक्ट बुक की समरीज बताता हूँ, ठीक है। एक ये बुक है हमारे पास, रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक 2018 से 2023, रेलवे रीजनिंग क्वेश्चन बैंक 2018 से 2023, ओके, रेलवे मैथमेटिक्स ईयर वाइज एंड सेट वाइज क्वेश्चन बैंक 2018 से 2023, रेलवे सामान्य अध्ययन ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक 2018 से 2023, पीवाईक्यू, जो काफी लोग बोल रहे थे सर पीवाईक्यू, तो देखो ये रहा आप लोगों का पीवाईक्यू, ये सब आपके पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं। काफी लोग इस चीज के लिए मेरे को बोल रहे थे, तो ये सारा डेटा मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ, ठीक है। ये सारा बाबरे, ओहो, जब हम लोग 8th, 9th, 10th में जब हम लोग थे, तो जिसके बैग रख के लिए चलते बाप लोग, भैया जो वेट हो रहा है, आप लोग ज्यादा ही वेट है, तो जब इस वेट को मैं उठा सकता हूँ, तो इस वेट को आप क्यों नहीं उठा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है, बस आप अच्छे से पढ़िए और इस बार 2024 का एनटीपीसी आप क्रैक कीजिए और अपने अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। दिस इज वन जो मैं आप लोग उस दिन लेके आया था। अब हम लोग बात करते, जो मैं दूसरा सेटअप आप लोग लेके आया था वो ये है, ठीक है। इसको भी मैं ज्यादा डीपली नहीं लिखता, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, नॉर्मल हम आपको बताएंगे। तो जैसे पहला है मेरा रेलवे आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, ये दिस इज अ सीबीटी 1 प्रैक्टिस वर्कबुक है, आप इसको देख सकते हैं, 25 सेट्स हैं इसके अंदर, ये भी आप लोगों के लिए, तो एएलपी का है, तो भाई ये आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द आप लोगों को देता हूं। दूसरा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, इसका भी काफी लोग बोल रहे थे, तो दिस इज आल्सो फॉर यू, ठीक है, 2019 के हल प्रश्न पत्रों सहित, गुड वन, इन पब्लिकेशन, गुड वन, इसमें रेलवे का लोगो भी है, ओके। दिस इज रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर एसआई, ठीक है, दिस आल्सो इन पब्लिकेशन, गुड वन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आरपीएफ 23 सेट सब इंस्पेक्टर एसआई, गुड वन। नाउ रेलवे आरआरबी स्नातक स्तरीय एनटीपीसी 2024-25 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके अंदर 25 सेट्स हैं, दिस इज आल्सो करंट पब्लिकेशन, ये एनटीपीसी का है अपना 2024-25, गुड वन, ये भी आप लोग के लिए। नाउ अगेन रेलवे एनटीपीसी ग्यारह स्नातक इंटर स्तरीय, मतलब ये नॉन ग्रेजुएट वाला है, मतलब नॉन ग्रेजुएट वाला है, ठीक है, और ये भी सीबीटी 1 है, प्रैक्टिस वर्क बुक है, आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर यू, आरआरबी एएलपी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, दिस इज ऑल्सो फॉर यू। अब इन लोग अगर मैं इसको इस तरीके से आप बताऊंगा तो काफी है, लेकिन जो ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स काफी ढूंढ ढूंढ के निकाली गई, काफी उसके साथ निकाली गई है, तो ये सारी चीजें आप लोग रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ आरपीएफ कॉन्स्टेबल पीवाईक्यू 2019 सॉल्व पेपर, तो दिस इज सेकंड बंडल ऑल्सो फॉर यू, दिस इज द फर्स्ट बंडल, तो दिस इज ऑल्स वेट, दिस इज ऑल बुक्स फॉर यू, काफी वेटेज है, तो बहुत बेटे बाबा, ओके, तो दिस इज ऑल फॉर यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ बुक्स मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाकी नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये जितनी मैंने आपको बुक्स बताई हैं, दिस इज द बेस्ट बुक, और ये सारा जो है करंट पब्लिकेशन का है, क्योंकि करंट पब्लिकेशन इस टाइम रेलवे के लिए काफी अच्छा काम कर रही है, आरपीएफ एसआई के लिए भी काफी अच्छा काम कर, कॉन्स्टेबल के लिए काफी अच्छा अपना मेटल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो सॉल्व का जो एक्सप्लेनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, तो आपको ये मतलब ये ना ये जो चीज है ना ये बेसिक्स के लिए है, मतलब बेसिक्स का मतलब जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, आप चीजों को अच्छे से ले रहे हैं, जैसे आपने अभी अपना सीबीएसई को अगर आपने क्लियर किया, एनसीईआरटी बुक्स को आपने क्लियर किया, देन आप उस पर जंप करेंगे ना, तो ये आपको यूं समझ में आएगा और उसके बाद आप यूं एग्जाम निकालेंगे, अगर वो नहीं है उसके बाद आप काफी टाइम बाद, माने जैसे मान लीजिए आपको कुछ टाइम हो गया है, देन आप दोबारा स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसके अंदर है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, और जो लोग 2019 में बैठे थे उसके बाद अब बैठे हैं, तो उनका तो बेसिक तो स्ट्रांग होगा ही होगा, प्लस बुक्स का भी मैटर स्ट्रांग होगा, वो अगर इस बुक्स को करते हैं तो उनके लिए तो ये एक तरीके से मतलब यूं वाला कॉन्सेप्ट होगा, कि बस वो देखेंगे समझेंगे कर देंगे, और अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से कर ली, इसके सारे क्वेश्चन आप
आपने सॉल्व कर लिए, सारे पेपर सेट आपने निकाली, बाकी सारी बुक्स आपने अच्छे से पढ़ ली, जीके जीएस आपने पढ़ लिया, बाकी जितने भी आपने सामान्य ज्ञान आपने लिया, मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, अगर आपने ये सारी चीज कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार का जो एग्जाम है आप लोगों का 2024 का एनटीपीसी का आप लोग जरूर निकालेंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं, अब ये बुक्स मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराता हूँ। आज अभी जस्ट सुल्तानपुर से आने के बाद मैंने फटाक से आप लोगों से बात किया है, अब मेरा टाइम है कि आप लोगों को बुक्स देने का, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बुक्स दूंगा। तो बस आप यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए। ये बुक्स कैसे आप लोगों के पास आ जाएगी इसका प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सोशल मीडिया पे एड्रेस लेना मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सही नहीं है, तो उसका अलग प्रोसेस है कि इस तरीके से मेरे पास आप लोगों के एड्रेस आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। अभी आप लोगों ने सिर्फ मैसेजेस किए हैं कि सर मुझे चाहिए, लेकिन आप लोगों तक जाएगी कैसे मैटर ही है। कुछ लोगों ने बोला पीडीएफ, ठीक है पीडीएफ इज अ गुड ऑप्शन, मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन जिन लोगों को बुक्स की जरूरत है, जो जेन्युइन उनको बुक की जरूरत है, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट है, ये मेरे बोनस के अमाउंट का है, तो ये मैं आप लोगों को दूंगा। दिस इज ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आपका दिवाली गिफ्ट, आपके लिए बोनस रहेगा। तो बस अब देखते हैं किस तरीके से आप लोगों का एड्रेस मुझ तक मिलता है, आपका जैसे मुझ पर एड्रेस मिलेगा फिर आपके पास यूं से यूं डिलीवरी। इतनी सारी बुक्स है तो मैं, मेरा जो आप मानना है कि मैं कम से कम 15 लोगों को मैं ये 12-15 लोगों को मैं ये बुक्स दूं, ठीक है, उनके पास तक बुक्स जाए, और अगर रहा बजट और रहा तो मैं और भी बुक्स लाऊंगा आप लोगों को दूंगा। तो बस ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है बस, लेकिन प्लीज आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि इस बार का आपको एग्जाम निकालना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना, सरकारी मुद्दों को भी थैंक्स बोल देना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इतना ये सब आप लोगों के लिए है। तो बस ठीक है, अब हम खाते हैं पीते हैं और सुबह अपना लीव ऑफ करते हैं, ड्यूटी करें, कल करवा चौथ भी है, अब देखिए करवा चौथ, लेकिन ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट, तो हम कल ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। अगर सब कुछ सही रहा तो एवरीथिंग इज गुड, नहीं रहा तो ड्यूटी इज गुड, ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। तो थैंक यू सो मच, बस आप यूं ही सरकारी मुद्दों को प्यार बनाते रहें, हम यूं ही अच्छा काम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, जो भी हमारे पास अच्छा रहेगा आप वो प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे रेलवे में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहे वो हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे ड्यूटी हो, चाहे कुछ भी हो रेलवे से रिलेटेड, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कहीं मतलब इनोवेशन हो रहा हो, या कहीं उद्घाटन हो, कोई समारोह हो, अगर जहां भी हम जाएंगे वो सब आपको दिखाएंगे, आपको भारतीय रेलवे दिखाएंगे, जो भारतीय रेलवे हमारी ट्रैवल करते सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सब हम आपको दिखाएंगे। बस उसके लिए बस ये कि आप सरकारी मुद्दों के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़ रहिए। तो थैंक यू सो मच, बस यही क्या बनाए रखिए, बाकी बुक्स आपके पास बहुत जल्द। तो चलिए फिर, तो मिलते हैं नए ब्लॉग नई स्टोरी के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, ख्याल रखिए सबको, बाय।